त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के इस खास स्पेशल शो जिसका नाम है गांव की सरकार R9 भारत आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ है, जिसमें हम आपको बताएंगे सभी प्रत्याशियों के रिपोर्ट कार्ड और क्या है जनता की राय। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 से जुड़ी हर एक खबर दिखाएंगे आपको लाइव कवरेज, क्योंकि अब है जनता की बारी। देखें हमारा खास शो गांव की सरकार, प्रत्याशी इंटरव्यू, जनता कार्यक्रम के लिए हमारी टीम से संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 7905250434। मुखिया प्रत्याशी श्रीमती वंदवासिनी देवी लगातार तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगाने वाली हैं। सिरमा पंचायत मुखिया प्रत्याशी श्रीमती वंदवासिनी देवी के द्वारा रोड शो एवं शक्ति प्रदर्शन इस कार्यक्रम में पंचायत के बहुत सारे समर्थक अपने अपने बाइक लेकर रोड शो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे थे। पंचायत के जयमारन पत्रा कोरियाडी अमुआ पंडितपुर पकड़ी कड़वा होती हुई सिरमा में रोड शो एवं शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम को समाप्त किया गया। समाप्ति के उपरांत भूतपूर्व मुखिया संघ सचेतक श्री राकेश दुबे ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायत के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप सबके मान सम्मान प्यार के बदौलत लगातार तीसरी बार श्रीमती विंध्यवासिनी देवी जीत के कगार पर हैं। जिस तरह से रोड शो में पंचायत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, यह साबित कर दिया कि इस चुनाव में इस बार भी पंचायत के मुखिया के रूप में ग्रामीण पंचायत वासी विंध्यवासिनी देवी को ही फिर से चुनने का मन बना लिया। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी पंचायतवासी जिस तरह से मान सम्मान और प्यार बनाए रखे हैं, ठीक उसी तरह चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप क्रमांक संख्या 4 पर अपना बहुमूल्य वोट देकर तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगाने में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट पलामू। गांव की सरकार में आप कार्यक्रम में उपस्थित हैं कोरियाडी में, सीमा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्रीमती विद्यावासिनी देवी के पक्ष में दो पद बोलेंगे गोपुर मुखिया संघ सचेतक श्री राकेश दुबे जी। पंचायतवासी फिर तीसरी बार नमस्कार, देखते रहिए अपार नाइन भारत 22 में 27 में चलिए। वैसे लोगों को वैसे सिर पर बाबा सेल बनने की जरूरत नहीं है, उसको या तो जंगल